हेलो गाइस, मैं हूं टोनी। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि जैसे कि आपने कमेंट किया था कि स्टेप बाय स्टेप स्केचिंग कैसे करते हैं। सो वैसे तो स्केचिंग बहुत सारे चीज़ों में किया जा सकता है, जैसे कि पोर्ट्रेट हो गया, फिर कुछ और चीज़ों में भी स्केचिंग कर सकते हैं। मतलब कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट अपने सामने रख सकते, फिर आप उसको सेम टू सेम वैसे जैसे लाइट गिर रहा है उस पर वैसे आप स्केचिंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जैसे आपने कमेंट किया तो मैं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप स्केचिंग कैसे करते हैं मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देर की इस बात की दोस्तों, स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में जो लीड पेंसिल या मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैं इस वीडियो में इसका यूज़ कर रहा हूँ। इसमें 0.7 लीड यूज़ होता है और इसमें एक रबर दिया जाता है जिसे कि आप हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें आईब्रो बना रहा हूँ, अब आईज बना रहा हूँ, ये तो मैं एक आउटलाइन बना रहा हूँ एक पहले। अगर आपको आईज और आईब्रो बनाना नहीं आती है तो मैंने अलग से एक हाउ टू मेक आईज एक वीडियो बनाया है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हाउ टू मेक आईज। अभी मैं नोज बना रहा हूँ, और अभी लिप्स। अभी फेस का आउटलाइन बना रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि हल्के हल्के हाथों से बनाइए, जैसे कि अगर आप डार्क बना देंगे कि अगर आपको रब करने की ज़रूरत पड़ी तो अच्छे से मिटेगा नहीं। अभी हम पीपल बना रहे, ये मैंने कुछ कुछ जगह हाइलाइटिंग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा कि हमेशा आईलैशेस हमको लास्ट में ही बनाना पड़ता है। अभी मैं हेयर्स का आउटलाइन बना रहा हूँ। जहाँ जहाँ हमें रब करने की ज़रूरत पड़ती है हम रब कर लेंगे। अभी मैं एक्स्ट्रा डार्क अप्सरा की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइंस को डार्क करने के लिए। आईब्रोज को बना रहा हूँ डार्क करके, तो सबसे पहले तो हम कर्व्स बनाएंगे और फिर डार्क कर देंगे। अगर आपको आईब्रो भी बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे हाउ टू मेक वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अभी हम डार्क कर रहे हैं, आपको जहाँ जहाँ हाईलाइट्स के लिए जगह छोड़ने थे हम वाले जगह को हाईलाइट नहीं करेंगे। अब मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर देता हूँ, और ये जो ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये मैंने खुद घर पे बनाया है। अभी हम आईलैशेस बना रहे, जहाँ जहाँ हमें रब करने की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे अच्छे से रब करेंगे, क्लीन आउट कर देंगे। अभी अभी मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ जहाँ मतलब सोचिए कि लाइट लेफ्ट साइड से आ रहा है तो हमें लेफ्ट वाला साइड हल्का रखना है और राइट वाले साइड को थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है, तो मैं राइट वाले साइड को ज़्यादा डार्क करने वाला हूँ। फिर हल्का हल्का ब्लेंडिंग भी कर देंगे, फिर हल्का हल्का ऐसे हम पूरा एक लेयर ऐसे फॉर्म कर देंगे, फिर हम जहाँ जहाँ हमको रब करने की ज़रूरत पड़ेगी हम रब कर देंगे, जैसे कि मैं अभी वीडियो में कर रहा हूँ। और ऐसे करने से मतलब कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। अभी लिप्स भी डार्क कर चुका हूँ, अभी आते हैं लिप्स वाले साइड पर, इधर हल्का हल्का शेडिंग करेंगे, डार्क नहीं करेंगे। ब्लेंडर से हम पूरे फेस में ब्लेंडिंग कर देंगे, जहाँ लाइट चाहिए वहाँ लाइट करेंगे, जहाँ डार्क चाहिए वहाँ डार्क करेंगे। और मैं अभी थोड़ा आउटलाइन को साथ ही साथ मैं बार बार डार्क कर रहा हूँ,
और नोज़ को भी डार्क कर दे रहे हो। जहाँ पे हमको नोज़ पे लाइट चाहिए वहाँ पे हम रब कर देंगे कि पता चले कि वहाँ पे लाइट आया है, क्योंकि हमारे नाक के बीच में जो उठा हुआ हिस्सा होता है, जैसे कि बीच में जो सेंटर का जो हिस्सा होता है थोड़ा उठा हुआ रहता है, तो उधर ज़्यादा लाइट नहीं आती, उधर इफेक्ट आता है। बस हम लिप्स बना रहे हैं अभी। लिप्स पे जहाँ पे लिप्स का टेक्सचर देने के लिए हम लाइन्स बना के ऐसे कर देंगे, और फिर ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हैं। फिर जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग की ज़रूरत है लिप्स पे हम वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा रब कर रहे हैं। फिर अभी मैं जहाँ हेयर्स पे जहाँ डार्क होता है वहाँ पे हम डार्क कर देंगे, लेयर बाय लेयर करना है, एकदम पहले लेयर पे ही डार्क करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि लाइट से डार्क जाना है। पूरी अच्छे से ब्लेंडिंग कर देंगे। फिर जहाँ पे हमको दिखाना है कि यहाँ से ये वाला हिस्सा नीचे, ये वाला हिस्सा ऊपर है बाल में, तो आप वैसे वहाँ पे मिटा के कर सकते हैं। तो फिर हम लाइंस बनाएंगे अभी हेयर्स के। यहाँ पे हम लंबे लंबे हेयर्स दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आउटलाइन कंप्लीट करेंगे, फिर कर्व्स लाइंस बनाएंगे, और जैसे जैसे डायरेक्शन दिया गया है बाल का, आप जैसे बनाते हैं वैसे ही आपको लाइंस को वैसे बनाना है। तो अब जैसे कि मैं देख सकते हैं मैंने लाइंस बना चुका, अब मैं डार्क कर दिया है। अब मैं हाईलाइटिंग के लिए क्या करना है, अनक्लीन इरेजर का यूज़ करना है। तो मैं एक पर्टिकुलर जगह का यूज़ कर लेता हूँ जहाँ पे मतलब मेरे को ये पार्ट हाईलाइट करना है, ये पार्ट हाईलाइट नहीं करना है। तो वैसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हल्का हल्का हाईलाइट किया है, और हमारी स्केच तैयार है।